अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व पेज नंबर 49 ऑफ फर्स्ट टर्म प्रिंटेड कॉपी। आज आपने फर्स्ट टर्म की प्रिंटेड कॉपी का पेज नंबर 49 सॉल्व करना है। इससे पहले जो है ना पेज नंबर 47 एंड पेज नंबर 48 आपने फर्स्ट टर्म में सॉल्व कर लिए थे, इसलिए अब आपने उनको दोबारा से नहीं करना और आप उन पे पिक्चर्स जो दी गई हैं उनको आप रीड कर लें। लर्न करने हैं आपने पिक्चर्स के नेम और उनका फर्स्ट लेटर है वो आपने लर्न करना है। और पेज नंबर 49 अब हमने सॉल्व करना है। पेज नंबर 49 पर सबसे पहले आपने अपने मामा से कहना है कि सी डब्ल्यू मैंशन कर दें, डेट मैंशन कर दें, डे मैंशन कर दें। चलें देखते हैं इस पर क्या दिया गया है। प्रैक्टिस द फॉलोइंग लेटर्स, यहाँ पे आपको लेटर्स दिए गए हैं ए से लेके जी तक, उनको आपने प्रैक्टिस करना है, ट्रेस करना है उन्हें, ठीक है। और ये आपने पहले भी किया है ये काम, अब फिर हम करने लगे हैं। जैसे पहले किया था वैसे ही अब करना है। हम स्लांट में नीचे से ऊपर गए, फिर ऊपर से नीचे आ गए स्लांट में, ट्रेसिंग आपने बहुत अच्छी करनी है और फिर मिड लाइन आपने ट्रेस कर दी। ए ए ए, इसे देखें, स्ट्रेट स्लांट में ऊपर गए, फिर स्लांट में नीचे आ गए, मिड लाइन ए ए, फिर बी, ए के बाद बी, व्हाट कम्स आफ्टर ए, बी, स्ट्रेट नीचे गए, बी का ऊपर वाला आपने बैली बना दिया, ऊपर वाला छोटा आएगा, फिर नीचे वाला बैली आपने ट्रेस करना है, नीचे वाला बैली थोड़ा सा बड़ा, बी ब, फिर से देखें, स्ट्रेट लाइन आपने ट्रेस की, फिर ऊपर वाला बैली बनाया, फिर नीचे वाला बैली आपने बनाया, बी ब, ए ए, बी ब, बी ब के बाद सी, 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 सी ख, ए ए, बी ब, सी ख के बाद आ जाएगा डी, स्ट्रेट आपने लाइन ट्रेस की, फिर आपने लाइन के पीछे से ये जो अभी आपने स्ट्रेट लाइन की है इसके थोड़े पीछे से आपने इसका बैली बनाना है, बैली बनाया और ये लाइन डॉट से पीछे चले, डी डी ड, स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे, फिर इसका ये बैली बना दिया, डी ड, ए ए, बी ब, सी ख, डी ड, व्हाट कम्स आफ्टर डी, ई, स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे, वन टूथ, टू टूथ, थ्री टूथ, E, E, A, ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन, वन वन टूथ, टू टूथ, थ्री टूथ, E, A, 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 B, B, C, K, D, D, E, A, What comes after E? F. ऊपर से नीचे स्ट्रेट, वन लेग, टू लेग, F. ऊपर से नीचे स्ट्रेट, वन टूथ, टू टूथ, F. A. A. B. B. C. D, D, E, F, F,
व्हाट कम्स आफ्टर एफ जी, पहले आपने ये सी बनाया, फिर ऊपर गए स्ट्रेट, अंदर गए, बाहर आए, नीचे आ गए स्ट्रेट, जी ग, सी बनाया, ऊपर गए, अंदर गए, बाहर आए, नीचे आ गए स्ट्रेट, जी ग, ए ए, बी ब, सी ख, डी ड, ई ए, एफ जी ग. नाउ मूव नेक्स्ट. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, रीअरेंज द लेटर्स. आपने लेटर्स को अरेंज करना है, यानी कि तरतीब से लिखना है. यहाँ पे आपको सारे लेटर्स जो है ना आगे पीछे करके दिए हुए हैं. आपने ए बी सी पढ़नी है और सबसे पहले हम देखना है, आपने देखना है कि सबसे पहले लेटर कौन सा आ रहा है. चलें ए बी सी स्टार्ट करें. कहाँ से शुरू होती है ए बी सी? ए. ए, चलें फाइंड करते हैं कि यहाँ पे आपको ए दिया गया है. इज इट ए? नो. इज इट ए? नो. क्या ये ए है? नो. ये ए है? नो. ये ए है? नो. इज इट ए? यस. कट इट, यहां पे इसको कट करें. नाउ राइट हियर ए. बहुत प्यारी राइटिंग में आपने लिखना है इसको. ए. रीअरेंज, राइट द मिसिंग लेटर्स एंड राइट द फर्स्ट लेटर. इसमें आपको डॉट्स नहीं दिए जाते, इसमें आपने खुद से राइट करना होता है, विदाउट डॉट्स करना है. ए ए. व्हाट कम्स आफ्टर ए? बी. अब हमने ढूंढना क्या बी यहाँ पे दिया गया है. ये बी है? नो. ये है एफ, डी, जी, सी, बी. कट हेयर, नाउ राइट हेयर. पहले आपने कट करना है फिर राइट करना है. स्ट्रेट आपने लाइन लगाई. बी का ऊपर का बैली थोड़ा सा छोटा, नीचे का बैली थोड़ा सा बड़ा. A, A, B, B. What comes after B? B के बाद क्या आता है? C, F, D, G, C. Cut it right here. C. Your writing should be excellent. C, K. What comes after C? D. F, D, D को इधर कट कर दिया और यहाँ पर राइट कर दिया. स्ट्रेट आपने लाइन लगाई और इसके पीछे से ऐसे लिखना स्टार्ट करना है और ये इसका बैली बनाते बनाते आगे चले जाना. D, D, A, B, C, D. What comes after D? E. चले ढूंढते हैं E हमें दिया गया है कि नहीं, और E कौन सा है. ये कौन सा लेटर है? एफ. डी तो हो गया, जी, सी भी हो गया, बी भी हो गया, ए भी हो गया, ई. विच लेटर इज दिस? ई. वन टू थ्री. जिसके थ्री आगे वो लेग्स होते हैं, टूथ होते हैं, आर्म्स बोल रहे हैं आप इसको. आपको थ्री आर्म्स दी गई हैं, उसको ई कहते हैं. ई को हमने यहाँ कट किया और यहाँ डी के बाद राइट कर दिया. स्ट्रेट लाइन, वन आर्म, टू आर्म, थ्री आर्म्स. ई की कितनी आर्म्स होती हैं? थ्री. ई ए, ए बी सी डी ई. ई के बाद व्हाट कम्स आफ्टर ई? एफ. इज इट एफ? यस. ये एफ है. एफ की कितनी आर्म्स होती हैं? वन टू. इसकी टू आर्म्स हैं, इसको यहाँ पे कट कर दिया और यहाँ पे राइट. स्ट्रेट लाइन, वन आर, टू आर, एफ, ए बी सी डी ई एफ. देखिए मैं बार बार पीछे से इसलिए पढ़ती हूँ कि आपको अच्छे से पीछे से लर्न भी हो जाए और आप
आपको आगे पता चल जाए कि नेक्स्ट क्या आना है। एक सीक्वेंस में आप जब पढ़ते हैं तो आपको जल्दी लर्न होता है। व्हाट कम्स आफ्टर एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी। देखिए एफ हो गया, डी हो गया, जी रह गया। जी को यहाँ पे हमने कट किया, पहले कट किया फिर राइट किया, फिर यहाँ पे आपने जी को राइट कर दिया, सी बनाया, ऊपर गए, अंदर गए, बाहर आए, नीचे आए, जी जी ग, ए बी सी डी ई एफ जी, ए ए बी ब सी ख डी ड ई ए एफ जी ग। और आपने बहुत प्यारी राइटिंग में इसको राइट करना है, फिर आपने ये सारी ए से लेके जी तक को एबीसी को लर्न भी करना है, इनकी साउंड्स को भी लर्न करना है, फिर आपने अपनी मामा को काम दिखाना भी है जो आपने ये राइट किया है, और मामा को सारी एबीसी सुनानी भी है और उनकी साउंड्स भी सुनानी है। अल्लाह हाफिज़।